थाना अंतर्गत रेलवे में अधिकारी रहे एक युवक ने फेसबुक पर मिली युवती से दुष्कर्म किया। कपिल नगर पुलिस ने इस मामले में लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजस्थान में कार्यरत है। अक्टूबर 2021 में उसकी 25 साल के लड़की से फेसबुक पर मुलाकात हुई। उसने उसका मोबाइल नंबर लिया और उससे दोस्ती कर ली। वे 2-3 महीने से फेसबुक पर बात कर रहे थे। युवती एक अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी में कार्यरत है। दोनों की मुलाकात फरवरी में नागपुर में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अप्रैल में आशीष सीधे अपने पिता के साथ लड़की के घर आया। उसने अपने माता पिता के साथ शादी की बातचीत की और सगे रिश्तेदारों की उपस्थिति में समारोह का समापन किया। फिर वो लड़की के घर आया। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। हालांकि उसने ये कहकर मना कर दिया कि ये शादी का समय है। फिर भी आशीष ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने अपनी माँ से चर्चा की। हालांकि कुछ दिनों बाद वो फिर घर आया। उसने फिर से लड़की का यौन उत्पीड़न किया और अपने मोबाइल फोन में उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। उसके बाद वो उसे फोटो दिखाकर बार बार प्रताड़ित करता था। जब लड़की की मां ने शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। लड़की ने कपिल नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।